नॉर्टन थ्योरम पे एग्जांपल नंबर 10 है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमें ए और बी के बीच जो है टर्मिनल के अक्रॉस क्या है नॉर्टन थ्योरम, अरे नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट फाइंड करनी है, तो ड्रा कर लेते हैं। तो ये करंट सोर्स आई एन पैरेलल विद रेजिस्टेंस आर एन जो हमारा ए और बी के अक्रॉस होगा। तो सबसे पहले हम आई एन फाइंड करेंगे, तो आई एन बराबर होता आई एस सी। तो इसके लिए ए और बी टर्मिनल को शॉर्ट कर देते हैं, तो इसके लिए सर्किट ड्रा कर लेते हैं। ये 8K, ये प्लस माइनस, ये 2 वोल्ट, ये वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स है, प्लस माइनस ये 0.001 VAV, और ये करंट फ्लो कर रही है आई, और ये करंट कंट्रोल करंट सोर्स है 80 I, और ये 50K, और प्लस माइनस ये VAV है ओम, और इसको क्या कर दिया हमने शॉर्ट कर दिया ISC। जैसे ही हमने शॉर्ट किया तो सबसे पहली बात है V और AV के बीच टर्मिनल क्या होगा, वोल्टेज क्या होगा, वो जीरो होगा। तो मार्क कर लेते हैं VAV बराबर क्या होगा, वो जीरो होगा। तो इसे हम वन नोड मान लेंगे, तो हम KCL और नोड वन पर लगाएंगे। तो देखिए VAV क्या जीरो है, तो यहाँ पर लगाएंगे ये हो जाएगा 80 I प्लस 0.50K प्लस ISC बराबर जीरो, तो ISC बराबर माइनस का 80 I। तो ये क्वेश्चन होगी हमारी फर्स्ट। तो I की वैल्यू हम इससे फाइंड करेंगे, इसमें लगा देंगे KVL, तो माइनस का 2 प्लस का 8 KI प्लस का 0.001 VAV बराबर ये जीरो। तो चूँकि VAV की वैल्यू क्या है जीरो, तो वो यहाँ रख देंगे माइनस 2 प्लस 8 KI प्लस 0.001 इंटू जीरो बराबर जीरो। तो 8000 I बराबर 2, तो I बराबर 2/8000, तो बराबर ये, तो I बराबर ये आ जाएगा 0.25 मिली एम्पियर। इस I की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, तो ISC बराबर निकल के आ जाएगा हमारे पास माइनस का 80 × 0.25 मिली एम्पियर। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी माइनस का 20 mA। तो ये ISC हमारी क्या होगी, IN की बराबर होगी, IN बराबर ISC बराबर माइनस 20 mA। अब हम फाइंड करेंगे रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या, हमारा जो 2 वोल्ट सोर्स है उसको क्या कर देंगे हम, शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देंगे। तो RN फाइंड करने के लिए ये 2 वोल्ट का जो है सोर्स को शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देंगे। तो जो इसकी जो है सर्किट होगी मेजर करने की, तो वो देखिए ये होगी 8K ओम प्लस माइनस 0.001 VAV, और इसमें करंट जा रही है I, और ये 80 I, और ये 50 kΩ, और ये प्लस माइनस, और ये VAV ए और बी। क्योंकि अब ये क्या, इसमें कोई भी इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं, ओनली क्या है डिपेंडेंट सोर्स है, तो हम इसमें क्या करेंगे एक कनेक्ट कर देंगे प्लस माइनस 1 वोल्ट VT 1 वोल्ट, और करंट मेजर करेंगे ये IT। तो RN बराबर जो हो जाएगा VT/IT बराबर 1/IT। हम IT मेजर कर लें तो हमारा RN निकल के आ जाएगा A और V के बीच। तो देखिए इस पे ये हमारा नोड वन मान लेते हैं, तो इस पे हम KCL लगाएंगे। उससे पहले VAV बराबर वो क्या होगा, VT बराबर 1 वोल्ट होगा, क्योंकि ये पैरेलल
ठीक है, वी ए भी क्या, ठीक है, इसके पैरेलल वोल्टेज है, या सिंपली हम इसमें क्या लगा दें केवीएल, तब भी हमारा ये निकल के आएगा, ये पता होना चाहिए, तो इस पर लगाते हैं। तो ए टी आई के सी एल एट नोड वन, के सी एल एट नोड वन, तो वही होगा ए टी आई प्लस का वन अपॉन फिफ्टी के माइनस का आई टी बराबर जीरो। तो आई टी बराबर ये आ जाएगा ए टी आई प्लस का एक अपॉन फिफ्टी के। तो आई की वैल्यू इस वाले से निकाल लेंगे, तो इसमें लगा दें केवीएल, तो ए के आई प्लस का पॉइंट जीरो जीरो वन बी ए बी बराबर जीरो। तो देखिए आई बराबर माइनस का पॉइंट जीरो जीरो वन वी ए वी अपॉन एट के, तो इसकी वैल्यू रख देंगे क्या जाएगा वन पॉइंट जीरो जीरो वन अपॉन एट के इंटू वन। तो आई बराबर ये आ जाएगा माइनस का एक अपॉन एट के इंटू, ये आ जाएगा टेन पावर थ्री, तो ऐसे लिख देंगे, तो एक अपॉन एट इंटू टेन की पावर सिक्स, तो ऐसे इस तरीके से लिख देंगे। तो ये माइनस एट्टी अपॉन टेन की पावर फाइव, तो ये वैल्यू इसमें रख देंगे, आई टी में जो कर लेंगे, तो आई टी बराबर एट्टी इंटू माइनस एक अपॉन एट्टी इंटू टेन की पावर फाइव प्लस का एक अपॉन फिफ्टी के, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो इसको लिख देंगे माइनस एक अपॉन वन हंड्रेड के प्लस एक अपॉन फिफ्टी के। तो आई टी बराबर माइनस एक अपॉन वन हंड्रेड के प्लस एक अपॉन फिफ्टी के, तो एल से हम आ जाएगा वन हंड्रेड के, तो माइनस वन प्लस ये टू, तो आई टी बराबर आ जाएगा एक अपॉन वन हंड्रेड के। तो आर टी बराबर क्या होगा एक अपॉन आई टी, तो एक अपॉन वन अपॉन हंड्रेड, तो ये हो जाएगा वन हंड्रेड के ओम। तो आई एन बराबर निकल के आएगा माइनस ट्वेंटी मिली एम्पियर, और आर जो हमारा एन निकल के आया है वो हो जाएगा हमारा वन हंड्रेड किलो ओम। तो जिसका इक्विवेलेंट सर्किट होगा ए वी के क्रॉस वही होगा आर एन बराबर वन हंड्रेड किलो ओम, ये आई एन बराबर माइनस ट्वेंटी मिली एम्पियर ए और बी। इसको कन्वर्ट कर देंगे क्योंकि ये निगेटिव मारा, तो इसको इस तरीके से भी ये होगा मैम आर एन बराबर वन हंड्रेड किलो ओम और आई एन बराबर माइनस ट्वेंटी मिली सॉरी प्लस ट्वेंटी मिली एम्पियर, क्योंकि हमने इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, सवाल ये है कि पहले हमें ये देखिए एरो बने हुए हैं इधर लेफ्ट सर्किट का, पहले हमें नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट फाइंड करना, देन फिर उसके बाद हमें ये करंट फाइंड करनी है आई। तो सबसे पहले हम ए और बी के क्रॉस नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट इधर लेफ्ट सर्किट का फाइंड करेंगे, तो वो ये होगा, तो ये आई एन और ये आर एन ए और बी का इधर का। तो इसके लिए आई एन फाइंड करने के लिए तो हमें क्या करना होगा आई एस सी फाइंड करेंगे शॉर्ट सर्किट, तो ड्रा कर लेते हैं, ये टू एम्पीयर करंट फोर ओम छः ओम और प्लस माइनस ये बारह, ये सर्किट हमने इधर से रिमूव कर दी। तो ये है ए और ये है बी, तो इसको क्या कर देंगे शॉर्ट कर देंगे और ये आई एस सी मेजर करेंगे ए सर्किट, इसे हम क्या करेंगे वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखिए ये कितना हो जाएगा प्लस माइनस ये फोर ओम ये छः ओम और ये
प्लस माइनस 12 वोल्ट, और ये ISC, और ये होगा कितना हमारा 8 वोल्ट। तो इसमें क्या लगा देंगे, KVL लगा देंगे और ISC मेजर कर लेंगे। तो माइनस का 8 प्लस का 4 ISC प्लस का 6 ISC प्लस का 12 बराबर 0। तो देखिए माइनस का 8 प्लस का ये 10 ISC प्लस का 12 बराबर 0। तो ISC बराबर ये माइनस का 12 प्लस का 8 बराबर ये माइनस का 4। तो ISC बराबर माइनस का 4 अपॉन 10, तो माइनस का 0.4 एम्पियर। तो ये किसके बराबर होगा, IN के बराबर, ISC बराबर ये IN बराबर माइनस का 0.4 एम्पियर। अब हम RTH फाइंड करेंगे AOB के, सॉरी RN। तो RN फाइंड करने के लिए जो हमारा 2 एम्पियर का करंट सोर्स है इसे ओपन कर देंगे, और जो 12 वोल्ट है उसे शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देंगे, और A और B के बीच मेजर कर लेंगे। देखिए ये सर्किटरी होगी, इसके लिए ये 4 ओम, ये 6 ओम, ये शॉर्ट कर दिया A और B, और ये RN मेजर हो जाएगा। तो RN बराबर ये 6 प्लस 4 बराबर 10 ओम। तो A और B के क्रॉस हमारा जो IN इक्विवेलेंट सर्किट होगा वो ये होगा नॉर्टन। तो IN बराबर माइनस का 0.4 एम्पियर, और RN बराबर कितना ये 10 ओम A और B। अब जो हमने ये फाइंड कर लिया, तो हम इसका यूज करके हमें क्या करना होगा, ये सर्किटरी में जो हमें 5 ओम में ये करंट मेजर करनी होगी। तो हम ये कनेक्ट कर देंगे A और B के क्रॉस इधर, तो ये सर्किट होगी ये माइनस का 0.4 एम्पियर, ये 10 ओम, और ये 5 ओम, ये 4 एम्पियर है। इसमें हमें क्या फाइंड करनी है, ये आई फाइंड करनी है। तो देखिए इन दोनों को क्या है, ऐड कर देंगे तो हमें ये मिलेगा करंट 4 में से माइनस पॉइंट, ये कितना जाएगा 3.6 एम्पियर, ये 10 ओम, और ये 5 ओम, और ये आई। तो आई फाइंड करने के लिए क्या है, करंट डिवाइडर रूल लगा देंगे। तो आई बराबर 3.6 इंटू 10 अपॉन 10 प्लस का 5, तो आई बराबर 36 अपॉन 15। तो ये 3 से डिवाइड कर देंगे, ये 12 और ये 5, तो आई बराबर आ जाएगा 2.4 एम्पियर। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।